आज मैं आपको लेकर आया हूँ अल नवाब रेस्टोरेंट शारजा में। ये एक ऐसा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ पे नवाबी खाने मिलते हैं और लोग पूरे मुतहद्दर अमारात से यहाँ पे नवाबी खाने खाने आते हैं। आजकल रमजान मुबारक में अल नवाब रेस्टोरेंट की जानिब से जो इफ्तार अफोर्ड नहीं कर सकते वो अल नवाब रेस्टोरेंट पर आए, अल नवाब रेस्टोरेंट आपको फ्री इफ्तार देगा। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अल नवाब रेस्टोरेंट का नवाबी इफ्तार बुफे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आपको लेकर आया हूं अल नवाब रेस्टोरेंट शारजा में। ये एक ऐसा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहां पे नवाबी खाने मिलते हैं और लोग पूरे मुतहद्दर अमारात से यहां पे नवाबी अंदाज में नवाबी खाने खाने आते हैं। आजकल रमजान मुबारक में अल नवाब रेस्टोरेंट की जानिब से कि जो लोग भी यहाँ पे जरूरतमंद है, जिनके पास इफ्तार के पैसे नहीं है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो बाइक राइडर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो इफ्तार अफोर्ड नहीं कर सकते वो अल नवाब रेस्टोरेंट पर आए, अल नवाब रेस्टोरेंट के मेहमान बने, अल नवाब रेस्टोरेंट अपनी तरफ से आपको फ्री इफ्तार देगा। अल नवाब रेस्टोरेंट यहाँ पे एक नवाबी इफ्तार बुफे भी दे रहा है अपने पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए और यहाँ पे दूर दूर से लोग नवाबी इफ्तार बुफे करने आते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अल नवाब रेस्टोरेंट का नवाबी इफ्तार बुफे। नाज़रीन, अल नवाब रेस्टोरेंट जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे इसके एम्बियंस ही नवाबी है और जैसे ही आप मेन एंट्रेंस पे आएंगे और यहाँ पे पहुँचते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इफ्तार बुफे करने आया हूँ। अल नवाब रेस्टोरेंट के दो पोर्शन हैं, नीचे भी आप बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। अल नवाबी इफ्तारी जो बुफे है वो ऊपर लगा होता है, तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको नवाबी इफ्तारी क्यों कहा जाता है और इस नवाबी इफ्तार बुफे में कौन कौन सी डिशेज हैं जिनको लोग दूर दूर से खाने आते हैं और कितने दिनों तक उनको यहां पे टेबल बुकिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो नाज़रीन, हम लोग अल नवाब रेस्टोरेंट के नवाबी इफ्तार बुफे हॉल में पहुंच चुके हैं और यहां से स्टार्ट होता है 75 प्लस डिशेज वाला नवाबी इफ्तार बुफे। सबसे पहले पकौड़े जो है वो ये गर्मा गर्म आपको यहां पे मिलेंगे, उसके साथ साथ पंजाबी समोसा। पंजाबी समोसा आपको बताता चलूं, आम दूसरा समोसा और पंजाबी समोसा में बड़ा फर्क है। यहां पे आपको प्योर पंजाबी लाहौरी समोसा मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहां पे जो आलू की चिप्स वो मिलेगी और उसके साथ शामी कबाब मिलेंगे और यहां पे स्प्रिंग रोल्स हैं और दूसरे चिकन समोसे हैं और उसके साथ साथ यहां पे आपको जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो चिप्स यहां पे मिलेगी, जिसमें बैंगन के चिप्स भी मौजूद हैं, प्याज के और डिफरेंट तरह की आपको फ्राइड आइटम्स यहां पे मिलेंगी। ये तकरीबन कुछ 7 से 8 तरह की फ्राइड आइटम्स हैं और आगे हम आएंगे तो यहां से स्टार्ट होता है अल नवाब रेस्टोरेंट का जो नवाबी बुफे है उसका सैलेड बार जो यहां से स्टार्ट होता है। यहां से डिफरेंट तरह के सलाद यहां पे रखे गए हैं, डिफरेंट तरह की सॉसेस यहां पे रखी गई है, हुमस है। हुमस यहां पे अरब ममालिक में जो लोग रहते हैं उनको बड़े अच्छे तरह पता है कि हुमस बहुत अहमियत का हामिल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। और उसके साथ साथ दही फुल्की है, दही बल्ले भी आप इसको कह सकते हैं। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत केक यहाँ पे, वाटरमेलन केक यहाँ पे बना के रखा गया है और बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की गई है, तरबूज को सजाया गया है और एक केक की शक्ल दी गई है। आगे हम आएंगे तो फ्रूट चाट यहाँ पे आपको मिलेगी, फ्रेश फ्रूट्स की बनी हुई फ्रूट चाट आपको मिलेगी, रशियन सैलेड है, फ्रेश सैलेड है, उसके साथ यहाँ पे एक और तरह की सैलेड आपको मिलेगी और यहाँ पे आपको मैक्रोनीज का सलाद मिलेगा, रेड बीन्स सलाद आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको स्वीट कॉर्न का सलाद मिलेगा और यहाँ पे आपको लाल लाल तरबूज भी मिलेगा और वो भी ठंडा ठार। और उसके साथ यहाँ पे आपको चना चाट भी मिलेगी और यहाँ पे इमली की चटनी मौजूद है, आलू बुहारे की चटनी मौजूद है, दही की चटनी मौजूद है और उसके साथ साथ मिंट की चटनी मौजूद है जो हम अक्सर अपने घरों में खाते हैं। और यहाँ पे ये बड़े खूबसूरत आप देख सकते हैं कि ये भी खुमानी की जो है वो सॉस है, चटनी है। तो ये इस तरह की सॉसेस, इस तरह की जो प्रीमियम चटनियां हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सा जो तवा आपके सामने पड़ा है इस पे भी आपको बेशुमार फ्राइड आइटम जो है वो मिलेंगी। आगे आएंगे इफ्तारी के बाद मेन कोर्स शुरू करने से पहले अगर आपका दिल चाहता है कि मैं गर्मा गर्म सूप पीऊं तो क्रीम ऑफ टोमेटो सूप यहां पे मौजूद है। तो यहां पे नवाबी स्पेशल सूप यहां पे रखा गया है। अब हम मेन कोर्स एरिया में पहुंच चुके हैं और यहां पे सबसे पहले आपको मिलेगा टेम्पुरा प्रॉन्स है और उसके साथ ही हनी विंग्स है,
फिर आपको चिकन बिरयानी यहाँ पे मिलेगी और काबली पुलाव मिलेगा, मटन कीमा है, चिकन कोफ्ता कड़ी है और उसके साथ फ्राइड राइस है, और उसके साथ साथ आपको स्वीट एंड सॉस चिकन मिलेगा और वाइट राइस भी आप यहाँ पे खा सकते हैं दाल मसूर के साथ, और उसके साथ ही ये बारबेक्यू आइटम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और बिल्कुल सामने लाइव बारबेक्यू गर्मा गर्म आपको यहाँ पे इस इफ्तार बुफे में मिलेगा। इसमें सीख कबाब है और चिकन सीख कबाब है, उसके साथ साथ चिकन बोटी है, चिकन स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, और आगे यहाँ पे आपको नान और रोटी के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे अल नवाब रेस्टोरेंट की सबसे नवाबी चिकन हांडी यहाँ पे आपको मिलेगी, उसके साथ साथ मटन कढ़ाई है, आलू शिमला है, अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे वेज ऑप्शंस भी मौजूद हैं, दाल मखनी है, उसके साथ साथ वाइट सॉस पास्ता है, दलीम है यानी कि हलीम है, बहुत से लोग जो है वो हलीम खाना पसंद करते हैं तो ये यहाँ पे आके हलीम भी खा सकते हैं। और ये इस बुफे की सबसे नवाबी आइटम है, इसको नवाबी डिश कहा जाता है। इफ्तार बुफे में आपको पूरे यूएई में और कहीं नहीं ये मिलेगी, पूरा बकरा आपको यहाँ पे इस पूरी डिश में मिलेगा। उसके साथ साथ नूडल्स हैं, वेजिटेबल नूडल्स हैं, फ्राइड फिश है, चिकन नगेट्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं। अब हम जो है वो इफ्तार बुफे के स्वीट डिशेस वाले पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा डिशेस आपको इस स्वीट पोर्शन में भी मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे उम्मे अली मिलेगा, ये यहाँ की अरेबिक एक खास डिश है, उसके साथ गर्मा गर्म यहाँ के ताजे बने हुए गुलाब जामुन मिलेंगे और साथ ही खीर है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जेलीज, पेस्ट्रीज, केक्स और डिफरेंट तरह की जो स्वीट्स हैं वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आके ले सकते हैं। फ्रूट ट्राइफल है, कस्टर्ड है, खीर है, और ये साथ साथ ये जो खीर है इसकी खास बात ये है कि ये गाजर वाली खीर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, फ्रेश पाकिस्तानी गाजर से तैयार की गई ये पाकिस्तानी खीर आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और साथ साथ आपको ये जो है वो सवैयां भी मिलेंगी गर्मा गर्म और फ्रेश दूध में बनी हुई, ये जो है वो खीर है और फ्रूट ट्राइफल है, सूजी का हलवा आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको मीठी सवैयां भी मिलेंगी। तो ये इफ्तार बुफे में स्वीट जो है वो पोर्शन है, यहाँ पे आपको स्वीट डिशेस मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कलरफुल मजे मजे की जो है वो स्वीट डिशेस भी आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। अल नवाब रेस्टोरेंट के मैनेजर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, मसूद साहब कैसा जा रहा है आपका बुफे? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तमाम देखने वालों को रमजान मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे पास रमजान की पूरी वैरायटी मौजूद है, तो 75+ आइटम हम देते हैं रमजान में, इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के, बल्कि इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे लोगों के लोग भी आ रहे हैं, या अलैन से, शारजा से, नहीं जितने लोग शारजा के नहीं है, बल्कि इसमें दुबई, अबूजेबी, अलैन, रसूल खेमा से लोग भी यहाँ पे आके दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और अपना अफ्तार अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर लेते हैं। और ये बेसिक एक फैमिली रेस्टोरेंट है, बिल्कुल साफ सुथरा रेस्टोरेंट है, जो आपको किसी इमारत में इस तरह साफ सुथरा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। और ये जो लोग इतनी बड़ी तादाद में हम देखें पूरा भरा हुआ है, ये किस तरह एडवांस बुकिंग करवाते हैं या खुद ही आते हैं या पहले टेबल बुकिंग करवाना पड़ता है? बुकिंग का तरीका हमारे पास है, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जो हमारी टीम मौजूद हर 24 घंटे मौजूद होती है उसको रिप्लाई करने में, और फिर उसको हम बुकिंग के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको एडवांस के एक लिंक भेज देते हैं, उस पर उसका बुकिंग कंफर्म कर लेते हैं सर। ओके, ये मतलब ये वाहद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है पूरे यूएई में, यहाँ पे आपको इफ्तार बुफे अगर करने आना है तो आपको एडवांस बुकिंग करवाना पड़ेगी, यहाँ पे आपको वैसे जगह नहीं मिलेगी। एडवांस बुकिंग के लिए आप इन नंबर से रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं, या इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो आपको जो है अल नवाब रेस्टोरेंट की टीम जो है वो आपकी कन्फर्मेशन लेगी और आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे बुकिंग कंफर्म करके यहाँ पे आ सकते हैं। और इफ्तार बुफे के साथ साथ और क्या आप ऑफर कर रहे हैं? सर हम आउटडोर भी कैटरिंग भी करते हैं, अफ्तार के होते किसी ने अपने घर में वेला में किसी ने करानी हो तो भी इसी नंबर पे आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके हमको यही सर्विस उसके घर में भी दे सकते हैं, लाइव बारबेक्यू, लाइव तंदूर, ये सारी चीजें हम उसको घर में भी उसको पूरा सब कुछ आप उसके घर पे ले जाएंगे, घर में भी ले सके सर। तो मिनिमम कितने लोगों का करते हैं रेंज? सर मिनिमम 50 लोगों का कौन होना चाहिए, अबव 50 जितना भी हो हम कर सकते हैं, अभी हमारे पास एक इंक्वायरी आई 700 लोगों की,
जो जेड सिटी में है इंशाल्लाह वही हम कैटरिंग करते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यूएई में रहते हैं किसी शहर में भी है और आपने अपने घर में कोई पार्टी करनी है, विला में कुछ आपके गेस्ट हैं, कोई आपका इवेंट है, तो आप इफ्तार बुफे जो है वो देना चाहते हैं, तो अल नवाब रेस्टोरेंट वहाँ पे घर आके लाइव इफ्तार बुफे आपको वहाँ पे तैयार करके दे सकते हैं। कितना मजा आएगा ये पाकिस्तानी खाना और देसी खाना, बटर चिकन, ये पूरा पूरा खाना, उक्सम बिल्लाह अलअज़ीम, ये पूरा खाना, मंदी मजबी चिकन पूरा, बस पाकिस्तानी खाना बहुत अच्छा है और नवाब रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त। और मैं कितना दफा बोला मैं कुछ नहीं देगा, बस नवाब रेस्टोरेंट नंबर वन और पाकिस्तानी खाना बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है और मैं दुबई से हूँ एंड मैं इफ्तारी करने के लिए इधर आई थी और इधर फॉर श्योर मेरी फेवरेट डिश चिकन हांडी थी एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन हु कम्स हियर हैज टू ट्राई दैट आउट। मैं यहाँ के खाने का बहुत ही आई एम इम्प्रेस्ड सो मच, लॉट ऑफ अमेजिंग नंबर ऑफ डिशेज आर देयर। और आज स्पेशली हम अफ्तार बुफे के लिए आए हुए थे तो अमेजिंग डिशेज हमने वी फाउंड एंड अफ्तारी का इतना स्पेशल और इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ था कि दिस इज़ जस्ट मार्वेलस। मेरा नाम नबीला है और मैं दुबई में रहती हूँ। आज हम यहाँ अल नवाब में बुफे इफ्तार करने आए हैं और आज मेरा सबसे फेवरेट था ये गाजर की खीर, इतनी अच्छी थी और सारा खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा फेवरेट है ये गाजर का हलवा। सबसे पहले जी नवाब रेस्टोरेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, मैनेजमेंट दे आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया। टुडे वी हैव इफ्तार डिनर विद माई फैमिली, आज फैमिली गैदरिंग में हमने इस रेस्टोरेंट को बुक करवाया। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ और इनके फूड के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, स्पेशली बारबेक्यू ज़बरदस्त, अमेजिंग। माय नेम इज़ अली एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और मैं आज नवाब रेस्टोरेंट आया था अपने दोस्तों के साथ, पूरी कंपनी के साथ इफ्तार करने, एंड इट वाज वेरी डिलीशियस, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू हैव इफ्तार। मेरी फेवरेट डिश थी टकाटक एंड जो रान थी, अमेजिंग। मेरा नाम सैयद माज है, मैं पाकिस्तान से हूँ। हमने आज इफ्तारी की है नवाब में, तो आज हम दोस्तों के साथ आए थे और हमें सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट पर्सनल चीज़ है वो मुझे लगी टकाटक, और उसके साथ आपने सीख कबाब थे, इनके पास बहुत वैरायटीज है कबाब की, तो बहुत वैरायटीज है इधर, और ऊपर से इनकी स्पेशल एक मीठे में उनकी क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन ये था अल नवाब रेस्टोरेंट का नवाबी इफ्तार बुफे, अब मैं भी जो है वो अपना इफ्तार डिनर जो है वो कर लूँ। और ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पूरे मुत्तहिद अरब अमारात में इस तरह का लग्जरी नवाबी इफ्तार बुफे आपको कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको 70 प्लस डिशेस सिर्फ 79 दरम में मिलेंगी। और अगर आप सहरी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप अल नवाब रेस्टोरेंट पर आके कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।